तो आज हम लोग जा रहे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंपिंग कैसल में. वॉज अचीव्ड बाय जंबू पाकिस्तान इन कराची. मर गई, मैं मर गई. एम्बुलेंस बुला दो भैया. जंपे मार, दिखा कितनी हाई जंप मार सकती है, सिर्फ इतनी. Everyone and welcome to another brand new vlog. कैसे आप सब, किसी तबियत है? तो जो मेरा प्रीवियस ब्लॉग था उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से. तो आज हम लोग जा रहे हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंपिंग कैसल में, और वो है पाकिस्तान कराची में. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप इधर जाइए जाइए जाइए, बहुत फन है, बहुत मजा आएगा, और सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इसमें फन कर सकते. तो आई वॉज लाइक ये है क्या चीज. फिर मैंने गूगल किया, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये कैसे हो सकता है. तो आज हम वहां जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे जो है जाने जाने के डेज करीब आ रहे हैं. तो मैं जो है मतलब जितना कर सकती हूँ एक्सप्लोर उतना करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी. उसके बाद हमारी रवानगी हो जाएगी दुबई के लिए. तो आज हम सब जा रहे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंपिंग कैसल में. आई एम सो 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 एक्साइटेड क्योंकि मुझे ये, आप लोगों को पता है, मुझे ये एडवेंचरस और ये फन वाली जगह कितनी पसंद है. सो लेट्स गो. अभी हमारे ड्राइवर अंकल आते ही होंगे बिक� 4 बजे खुलेगा. अभी कितने हो रहे हैं, 3:40 हो रहे होंगे. तो वो 4 बजे खुलेगा और वो हमारी लोकेशन से 12 मिनट की ड्राइव पे है, तो करीब है. उसके बाद भी हम लोग खाना खाने के लिए कहीं जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं. सो लेट्स गो. और मुझे नहीं पता टिकट्स कितने, क्योंकि मैंने वेबसाइट में देखा था तो 1500 के थे. अब मुझे पता नहीं है कितने के होंगे, बाकी जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे. तो आप लोग सीट बेल्ट लगा के थाम के बैठ जाए, बड़ा मस्त जो है ना फन करेंगे हम आज. और अब्दुल वासी की ड्रेसिंग आओ इधर खड़े हो, नहीं आओ इधर आओ, नहीं तुम्हें दिखानी पड़ेगी. आओ इधर, सही, फिर मैं ऐसे दिखाऊंगी. ये देखिए अब्दुल वासी ने बिल्कुल, अपने जीजू की तरह जो है ड्रेसिंग सेंस करने लग गया. बेल्ट और टक इन करने लग गया अब्दुल वासी. क्यों भाई, क्यों? पहली बात तो ये, मेरी शर्ट आपने पहनने का बोला तो आपने पहनी नहीं, निकाल के आपने कहीं पर रख दिया. वो रही पीछे, तुमने वो पहनी लेकिन ये ज्यादा अच्छी लग रही है, कस्टम से ये ज्यादा अच्छी लग रही है. अभी मॉम को मैंने बुलाया है, मॉम मेरी जो है ना पूरा आउटफिट दिखाएंगी, ठीक है? तो रुकते हैं मॉम के लिए, बिकॉज वासे से इतनी गंदी क्लिप्स बनाते हैं. आ गई मम्मा. सो गाइस ये मेरा आउटफिट है, ठीक है? ये मेरी पैंट, ये मैंने वहीं से ली थी, ठीक है? और ये टॉप है, और वासे ने बोला कि तुम्हारा टॉप अच्छा नहीं लगा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने हैंड में जो है, हाथ में जो है, ये मुझे PR से आया था, मैंने वो पहना है. और ये ब्रेसलेट्स मैं हमेशा पहनती हूँ, ये मुझे उस पर मीटअप पर मिले थे. और आज मैंने अपने बालों को जो ना पूरा वो ग्लू लगा के अच्छे से वो किया है, लेकिन स्टिल जो है मुझे वो लग रहा है, अपने आने नहीं देना है मुझे. तो अभी हम वेट कर रहे हैं. सो इधर से भी दिखा देते हैं आप लोगों को. तो ना ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों खुद पे, लाइक आई डोंट नो, आई लुक लाइक आई डोंट नो, मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करी. मुझे ये शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है. सो मॉम भी लाइक मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन देती हूँ, और अब्दुल वासी बोल रहा है जो मेरी ब्लैक थी वो तुम वो पहन लो, या फिर जीन्स. जीन्स ठीक है, देखते हैं गाइस क्या करना है. दिखाओ वो ब्लैक वाली किधर है, देखते हैं ब्लैक वाली पहन के देखते हैं. ये लोग मेरे को स्टाइल कर रहे हैं, और पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं लोग. देखो मेरे नाड़े के साथ खेल रहे हैं लोग. नाड़ा नहीं, नाड़ा बांध देंगे. मेरे नाड़े के साथ. ये भी आप बहुत मोटी हो. व्हाट? नहीं हो रही. सर तुम जैसे भिखारी की होगी तो यही होगा. इतनी वो है ना, ये दिखाओ ऐसे बच्चों ना, लाइक छोड़िए मेरे नाड़े के साथ क्यों खेल रहे हो तुम लोग. अरे नहीं यहां से करो ना, मैं खुद टकिंग करो, तुम टकिंग करनी है यार, टकिंग करो, टकिंग करो, मुझे मेरे वो करे पकड़ो. ओके ओके. अब सो गाइस, अब अपने मैं ना, मुझे लग रहा है मैं फेंट कर रहा हूं. और इस बार बहुत बदतमीज है यार. कोई मसला नहीं, तू ही मसला है. मैं मसला नहीं हूं, मैंने ठीक है अभी, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ पहनेंगे वरना बाउंस करते करते कुछ तो हो जाएगा. काम हो चुकी, देखो मैंने धोखे डाला. तो गाइस अभी इस बार ये पहना है, ये पहना है, मैं इसकी मदद करूंगी. मैं ऐसे कर रही हूँ, अल्लाह खैरी करे, मेरी मदद करे. मम्मी आप चुप रहो बेटा, तू इतना ज़ूम क्यों किया तूने अपने चेहरे पे? अच्छा ये देखो, ये मत दे भाई, ये तो ये अच्छी लगेगी, और ज़्यादा प्यारी लगेगी पागल. ये पहनना तू पहन, ये लाइट ग्रे पहनो, समर है. तू पहन, नहीं नजर आएगा इसे, उसमें से जब आपने ब्लैक पहना है तो पहन के देख लो.
आएगी नहीं मुझको, क्यों नहीं आएगी? मोटो बो खाएगी, बू क्या नाम उसका, देखो ये मैं खोल रहा हूँ, देखा तो मोटा सा मोटा सा बदमाश, ऐसा लग रहा है पुरानी पुरानी टाइमों की हीरोइन। अल्लाह नहीं ये भी नहीं कर। पहले से अच्छी लग रही हो बल्ला ये। अच्छा ये वो वाली भी पहन के देख लो एक बार। नहीं नहीं मम्मा ये समर की वाली के लिए ये अच्छी लगेगी फिर सही। ये ठीक है ये ठीक है। ये अच्छी लग रही है देखो ठीक है ये सही है। और अंदर से कुछ दिख भी नहीं रहा है कुछ भी नहीं तो ऐसी जलजला आ रहा है नहीं कर। सही है सही चलो चलें। यार तुम वापसी वो नेक्स्ट पे रख के बता ना तुम नेक्स्ट पे दिखाओ ना तुम मुझे छोटा नहीं दिखा रहा ना दिखाओ अब गाइस अब पास से आपको ऊपर से नीचे से दिखाएगा दिखाइए ठीक है। तो ये पैंट में भी मैंने चेंज कर लिया और वो भी मैंने चेंज कर लिया और इस बार मुझे बहुत बुरी पैंट दिलाई है ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत उदास हूँ उसका मैंने शर्ट दे दी है। ओके गाइस लेट्स गो। सो गाइस वी आर ऑन द वे ठीक है और इज़्मा भी आ गई है सब आ गए हैं और मैंने ये चश्मा आज पहना है इज़्मा का लेकर। सो गाइस इज़्मा को दिख गई है। इज़्मा क्या बोल रही हो? ये भी बहुत क्यूट जगह है। क्यूट जगह है पर दिस इज माय बचपन का डर। नहीं है यार कुछ नहीं होगा। सो गाइस बेसिकली इज़्मा को जो है ना ये इन जगहों से डर लगती है यार। इज़्मा की जान जाती है इससे। सो अल्लाह खैर ही करे अब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नहीं मेरे बच्चे वालों को डब्बा कैसे उड़ा इज़्मा। हाँ हवा है मम्मी शुक्र है हवा चल रही है। So guys, अभी ये दूर से दिख रहा है देखो ऑफिशियल अमेजिंग क्या लिखा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है इसका नाम। सो गाइज हम देखो इधर आ गए हम पार्क करेंगे और बहुत प्यारी जगह पर है यहाँ पे बिल्कुल समंदर है यार। नाइस पार्क एट योर ओन रिस्क क्यों लिखा है यहाँ पर गाड़ियाँ ले जाते हैं क्या जी। गाइज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ठीक है देखो कितना कौन लेगा चल वर्ल्ड लार्जेस्ट जंपिंग कैसल टिकट काउंटर वहाँ पर है। गाइस मैं आप लोगों का भी वो सर्टिफिकेट दिखाती हूँ ठीक है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट द लार्जेस्ट बाउंसी कासल वॉज अचीव्ड बाय जम्मू पाकिस्तान इन कराची। सो वो वर्ड मैंने इसलिए वो स्किप किया कि मेरे को उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है इन्फ्लेटेबल व्हाटएवर इट इज। चलो गाइस देखते हैं कितने कैमरा मैन इज मी सब्सक्राइब टू मी यूट्यूब 3 जूस की ओके यहाँ पर मेंशन कर देंगे एपी एडिटिंग के वक्त ओके। हेलो वालेकुम अस्सलाम कितने चार टिकट्स कितने के 6000 3 सॉक्स पहने हुए लेकिन दो ने पहने हुए सॉक्स क्यों सॉक्स पहना लाजिम है ठीक है ओके सॉक्स चाहिए होंगे सॉरी दो सॉक्स और चार टिकट चार ओके तो कितने हो गए 6000 की टिकट से 6400 तो एक टिकट कितने का हुआ 1000 1500 1500 का टिकट है ओके ओके सर। अभी कितने दिन गाइस हमें ना सॉक्स पहनने पड़ेंगे मैंने और अब्दुल वासी ने पहने इसमें और मम्मी ने नहीं पहने मिनट से पूरे बाहर आना पड़ेगा गाइस यहाँ पे जो है ना आपको स्लॉट वाइज बुक करना होता है तो जो फर्स्ट स्लॉट थी ना वो 4 से 5:30 तक की थी तो वो तो हमसे मिस हो गई है ठीक है। सो अब हम जो स्लॉट लेंगे ना अरे यार ये लगा दूँ मैं मैडम मेरी आँखों पे बहुत मिट्टी जा रही है। सो ना अब जो नेक्स्ट स्लॉट है ना वो 6 से 7:30 वाली है हमने ये वाली ली है जो 6 से 7:30 अब हम अंदर जो है ना बैठेंगे देखेंगे कहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं तो मैं तो सब पे ही बैठूँगी देखो कितनी सारी हैं अंदर जाएंगे तो दिखाऊंगी आप लोगों को। सो अब यहाँ पे ये निशानी है ये किस लिए है सर ये ऑटोग्राफ है हमारा लिखने भी 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे फूड की ये बनी हुई है बट यहाँ पे बहुत आराम से ब्लॉगिंग करना क्योंकि गाने बज रहे हैं ओके ओके।
तो यहाँ पे शू जोन है और यहाँ पे वेलकम होगा हमारा कुछ टाइम में होगा, ठीक है? अभी टाइम है वैसे। और ये देखो ये शू रैक है। बैग वगैरह कहाँ रख सकते हैं अब तो जैसे, बैग वगैरह कहाँ रखेंगे? अरे मेरे को अंदर जाना है यार। सो गाइस ये सिटिंग का बनाया हुआ है इन लोगों ने, और मैं थोड़ा तेज बोलूंगी क्योंकि पीछे गाना जो है ना बज रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट लग जाए, ठीक है? ये सिटिंग है, ठीक है? और ना यहाँ से समुंदर दिखाती हूँ। अब्दुल्ला क्या कर रहे है? गर्मी तो नहीं लग रही? सारी राइड्स लेगा ना? हाँ। मैं भी आज मैंने वहां से लोगों समुंदर दिखा कर। सो ये देखो ये समुंदर है, ठीक है? ये देखो इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। वाओ मम्मा से पैसे ले रहे, बहुत प्यास लग रही है। इतने इतने में पानी आना है? एक मुझे दे दो, दो 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 तुम्हें कितने डंपलिंग मोमोस लिखा है? बाद में लेंगे खाना हाउस यहां पर। ये देखो पैक दिखाओ लोगों को, दिखाओ। हां ये नीचे लिखा हुआ है। हां स्लैश कितने का है? 400। और पानी की बॉटल, दो पानी। सो गाइस दो पानी एक लेमोनेड ले रहे हैं। अभी हमारे पास 40-45 मिनट के, कब तक खुलेगा? मैं 6 बजे वाली स्टार्ट की है, 6 बजे मतलब आधा घंटा ना? सही बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे खुलेगा और अंदर सारी राइड ले सकते हैं। ना बहुत अच्छी लग रही जगह, ऐसी है कि आप जो है ना गर्मी फील नहीं करोगे। खुली जगह है ना, बहुत ऑसम बनाई है आप लोगों ने। तो इसकी वो ओपनिंग कब हुई थी? है सर? इसकी ओपनिंग कब हुई थी? मैम इसकी ओपनिंग तकरीबन 5 महीने हो गए। आपकी पाटांग में क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह खैर करे। वो रात में जाते थे। ओके ओके। अभी तो मैं माशाल्लाह बहुत बेहतर है, फ्रैक्चर हो गया था तो अभी प्लास्टर लगा है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपके पास है? ना 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 50 रुपीज का क्या करेंगे? हाँ, so guys, हम ना उधर पानी के पास जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा ही टाइम है भैया। तो हम उधर टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, वीडियो शीडियो बनाते तो जाते भालू भाग रहे भाई, कहाँ से भगवा रही है यार ये बंदी, कब से भगवा रही है मुझे यार। मिट्टी मिट्टी हो गए ना सब? हाँ किस्म से जाके आना पड़ेगा। गाइस अभी जो है ना टाइम होने वाला है तो हम लोग ने अपने शूज उतारे, वासी ने अपना शूज ऑलरेडी उतार दिए, ये यहाँ पर रखी है मैंने अपने शूज, और इसमें को दिखाओ इसमें सॉक्स पहन रही है।
तो हम साथ ही रखेंगे सारे। हाँ बताओ क्या कर रही हो ये? बताइए ना, हमने अलग अलग माय गॉड मेरे जॉर्डन सारे खराब होंगे, लॉल डालो इसके अंदर। मेरे 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 जॉर्डन महंगे, मेरे महंगे भाई, क्या हो गया? जॉर्डन महंगे होते हैं, जॉर्डन 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 जॉर्डन, ये एयरफोर्स हैं, ये कुछ नहीं है, जॉर्डन मेरे जॉर्डन। आपको दिखाती हूँ कहाँ रखने शूज, जा रहे हैं सब। क्या लाइन लगना शुरू हो गई यहाँ पर? अब तो वैसे कहाँ हो तुम? अच्छा हाँ सेफ नहीं है ना, हाँ चलो उसमें ही डालो। अब्दुलवासे ऐसे रखना कि मिट्टी ना घुसे, क्योंकि बहुत लोग होंगे तो मैं मज़ा नहीं कर पाऊंगी। बट सही है ना अब्दुलवासे, इतने लोग हैं बस। आई एम लाइकिंग द वाइब के सब फैमिली है। व्हाट अबाउट यू? व्हाट हैपेंड क्या हुआ? चम्मे लगाऊँ क्या? अंडी लगोगी? और आप लोग अपनी हार्ड मटेरियल की बॉटल लेके जा सकते हैं अंदर। हार्ड मटेरियल यानी जिम बॉटल। और अंदर आते हुए सब लोग अपने बैंड शो कराते हुए जाइएगा, ठीक है? ओके थैंक यू, वेलकम। खोलो दरवाजा। ओके गाइस हम लोग। कौन सी वाली पहले? बड़ी वाली ना? The big slide. The big one? Yeah. बड़ी वाली में जा रहे हैं। चल 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 चल, सबसे पहले उधर अगर लोग भरे ना उधर सबसे पहले चल। वो देख वो छोटा बच्चा। बड़ों के लिए नहीं है। किसने बोला बड़ों के लिए नहीं है? ना ना पागल है। इधर तो सारे लोग खड़े होंगे हमें जा देखने के लिए। लेग्स कैसे क्रॉस? ओके ओके ओ बे दिस इज स्टीप। वही ना, पहले चढ़ने दे ना, पहले पूरा फ्लस करने दे। बे दिस इज स्टीप। ओए ओए So guys, ये ऊपर से कुछ इस तरीके से लग रही है, बट हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक एक हाथ कर लेंगे ना, एक हाथ कर लेते हैं। कुछ होगा तो नहीं? आर्म्स गाइस, आर्म्स को ओपन नहीं करना है। हाँ बहुत लंबा लग रहा है, डर लग रहा है अब से। 1, 2, 3 डर के आगे जीते लीजिए, ये तो कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह। बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम है। सो गाइस आई एम गोइंग अगेन। अरे तो मजा आ रहा है यार, अब तो से मेरे लिए रुकना। So guys, दोबारा मिलने के लिए आए। तो पहले बैठ के जा। सही है? हाँ। She's saying cross your arms, legs be cross. कर ले। पक्का। 1, 2, 3 1, 2 चली जा। बिस्मिल्लाह। लोग थोड़ा पीओवी देते तो कुछ फिलहाल ऐसा लगता है। मैंने जींस पहनी तो थोड़ा फील नहीं होता कसम से, बट इट्स वेरी स्टीफ, इट्स वेरी स्टिफ। अभी उधर चले सबसे बड़े कैसल में, आ जा। सो गाइस अब हम कैसल में जा रहे हैं।
डिस्प्ले। सो गाइस ये ना बच्चों का है। इतना मजा आ रहा है ना। इधर क्या है पता नहीं। ये बच्चों के लिए है। बड़ों के लिए किधर है? बड़ों के लिए क्या है ये? दिखा कितनी हाई जंप मार सकती है सिर्फ इतनी। आगे छोटी वाली स्लाइड भी ले लेते हैं। आ दोनों साथ देंगे। अब चल जाएंगे उठो अपने ऐसे। इसे मैं ऊपर भी नहीं हो पा रही। छोटू सी है। 2 3 यार यहाँ पर आके फुसफुसी हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। लेजिट इसको यहाँ पर आके फुसफुस नहीं। इसको फुल स्पीड में जाना चाहिए कसम से। लाइक लेजिट तुम्हारा व्लॉग मैं क्यों कर रहा हूँ? मम्मी किधर है? आ जा। क्या हुआ? चले भी आ चले। ये पकड़ कर व्लॉग। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्यों बहुत फास्ट फास्ट है? नहीं असल में इसमें ना 4 लैब्स है और कनेक्टेड लैब्स सारे और 1 लैब में 9 एक्टिविटीज है। ओके प्लस भागता भागते उसे सांस फूल जाती है। पंप है तो बहुत ही अच्छा है। पंप नहीं तो पंप के बगैर तो क्लियर कितना पड़ेगा। ठीक है सही। नहीं हमें कोई भी नहीं है। ओके ये थोड़ा सा वो है बोल रहे हैं लोग। अबे किसका बच्चा है? अब्दुल वासिफ। अरे रुक जाओ। अरे वासिफ वासिफ ब्लॉगिंग करेगा। तो इसका स्टार्टिंग उसका एंड एकदम एंड पे हमारी और अरिजी और मेरी रेस होगी। सही है स्टार्ट है? नहीं 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 रुक जाओ हिम्मत करने दे। वो एग्जिट नजर आ रहा है आप लोगों को दूर। हमें उधर जाना है बेसिकली पूरा। अरे अरे यार जल्दी कर एपी स्टार्ट करते आ जा। मुझे देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डांट रही अपने बच्चों। ये क्या है? नीचे से जाना ऊपर चले। यहाँ से आओ से क्या देखो अजीजे को देखो। द स्ट्रगल इज रियल। स्लाइड तो आई नहीं। स्लाइड वहां से पकड़। निकाल टांग निकाल। नहीं फंसी यार। क्या अच्छी आई क्या
भाई साहब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मर गई मैं, मर गई, एम्बुलेंस बुला दो भैया, मर गई बहुत बहुत। अभी आगे का बहुत बाकी है, चल 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 चल, ये ले पकड़। सो गाइस हम पूरा नहीं कर पाए, हम एग्जिट के लिए, मैं कर सकता हूँ अकेले अगर आऊँ तो, जल्दी बहुत मैं अकेले कर सकता हूँ, मैं इधर कर नहीं पा रहा क्योंकि अलीजे का व्लॉग भी है साथ साथ। तो अभी कहाँ पर जाने, एपी इधर एक और जगह जहाँ पर हम नहीं गए, आ जाओ। तो अभी वहाँ पर जाते हैं, और यार सांस फूल गई भाई, हम लोग वो वाली जगह की बात करें, वो उधर जो नजर आ रही है वहाँ पर हम गए नहीं है, तो वहाँ पर अभी जाते पिक्चर से, ओके आ जाओ। ओके ओके गाइस, तो अब हम वहाँ से आ गए और ना हम बहुत मिट्टी मिट्टी हो गए, मतलब फेस पे पूरी मिट्टी लग गई थी, हमें ना पूरा साफ किया है अभी अपने आप को, अभी यहाँ से कुछ खाएंगे और फिर टाइमली निकलेंगे घर पे, बिकॉज लाइफ जा रहा है और फिर ना मतलब टाइमली चले जाओ तो अच्छा है, लेकिन बहुत चिपचिपे हो गए, मैं तो घर जाके नहाऊंगी कसम से, मैं आप क्या बोलती हो, नहाओगी ना वासी तुम? वासी की शर्ट वाइट है देखो, कितना वासी की शर्ट से आप लोग अंदाजा निकालो कि क्रीम कलर की हो गई, इतनी मिट्टी थी ना अंदर, इतनी मिट्टी थी, लेकिन इन्होंने सफाई बहुत अच्छी रखी हुई है, ये साहिल है ना? हाँ साहिल है, तो वो साहिल की मिट्टी भी आ रही है, लेकिन बहुत मिट्टी है, बहुत एयरपोर्ट आपके पास ही नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं एक पांडा आ रहा है खाना लेकर, पांडा लग रही है आपकी, चल आई हो, ये क्या है वो छोटी सी स्नैक है यार, अरे ये हाँ ना बस छोटी सी, इतनी देर से क्या था ये, देना मुझे निकाल के खा कर तो जरा देखो, टेस्ट करके देखते हैं, इसमें छोटी सी मील ली है, बस एक किलो आ जाओ, एक एक पीस ले आओ, अच्छा है, इतने पिज्जे खाते लेकिन अब्बू जैसा कोई नहीं था, इतना बड़ा वाला पिज्जा मंगवाया है, और हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम खाना खा के जो है ना मतलब घर जाएंगे, और क्योंकि टाइमली घर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और हमारा कल का कहीं का मतलब प्लान बन रहा है, जहाँ वो ये मतलब उधर से हमारे घर से 2 घंटे की ड्राइव है, तो वो भी हमें घर जाके प्लानिंग श्लानिंग करनी है ना मम्मी, क्योंकि अब हमारे जाने जाने के डेज करीब आ रहे हैं। तो ये लार्ज पिज्ज़ा है, ये लार्ज पिज्जे की शक्ल है, ये लार्ज पिज्ज़ा है गाइस, ये लार्ज पिज्ज़ा है। Guys, we are leaving this place with lots of memories. Mummy, आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया इज़मा के साथ, आज first time इज़मा इतना रोती है, और क्या तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो आपको तो पता है मुझे इस तरीके की वो बड़ी अच्छी लगती है। So, अब हम यहाँ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है, अब हम निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो होम एंड देन विल गो, इधर से बात कर रहा है इज़मा को, एक लड़का अजीब सा लग रहा है, अरे कहाँ गए हमारे अंकल, अरे अरे गन वाले, अरे गन वाले अंकल कितो गए, ये आपको किसने इजाजत दी, क्या क्या आप मेरी चप्पल पहने, हाँ घुमाओ अपने पे, क्यों घुमाओ, ये क्या है उतारो अभी उतारो, देखा औकात आ गई ना, सर पे क्या है उतारो, देखा औकात में आ गई ना, यहीं से शांति प्रिया मिलेगी फिर। तो मैं आ गई हूँ और मैं फटाफट से फ्रेश होंगी और फिर लाइव का टाइम हो जाएगा, उसके बाद अगर कहीं बाहर गई तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूंगी, वरना हम यहीं पे ही व्लॉग को टाटा बाय बाय कर देंगे। ओके गाइस, हमने मस्त अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, और आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग, अभी अपने व्लॉग को यहीं पे ही बंद कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, लव यू ऑल सो मच, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, मुझे अपने ना हाथों में और इस पर इतनी अजीब सी ना खुजली खुजली हो रही है, आई हैव टू टेक अ शावर बिकॉज बहुत ज्यादा ना मिट्टी वगैरह था, तो मैं अभी पहले जाऊंगी नहाऊंगी एंड देन अपना व्लॉग वगैरह एडिट करूंगी, कल मिलते हैं, ठीक है गाइस बाय।